नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ सलोनी सुमित शर्मा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आंधी क्षेत्र के भावनी में 2 फरवरी को एक घर से सुबह के समय में जेवरात चोरी की घटना का आंधी पुलिस थाना ने 21 दिन के अंदर खुलासा किया। 2 फरवरी को भावनी गांव में एक दंपति सुबह के समय में बाड़े में दूध निकालने गए, तब पीछे से अज्ञात व्यक्ति ने घर से गहने चुरा कर ले गए, जिसकी रिपोर्ट आंधी थाना में परिवादी ने दर्ज कराई। पुलिस थाना अधिकारी आंधी रामकिशोर शर्मा ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस टीम करके 21 दिन के अंदर चोरी का खुलासा किया और अपराधी के से जेवर बरामद किए। मुजरिम को पकड़ा है भावनी में, इस घटना को आपकी टीम ने कैसे अंजाम दिया? ये 2 फरवरी को जगदीश नारायण जी है, मीणा जी, जो डाक विभाग से रिटायर्ड हैं कर्मचारी, वो दो तारीख को उन्होंने एक थाने पर रिपोर्ट पेश की कि सुबह 5:30 बजे वो अपनी भैंस का दूध निकालने के लिए घर से 1 किलोमीटर दूर बाड़े में गए थे अपनी पत्नी के साथ। और वहाँ से जब वो 6:15 बजे लौट के आए तो उनको जो घर की लाइटें थी वो बंद मिली और ताले टूटे हुए मिले। जब घर पर चेक किया तो उनके 2 बक्से जिनमें सोना चांदी और पैसे रखे हुए थे वो गायब मिले। फिर उन्होंने हवाला किया तो अड़ोसी पड़ोसी आ गए, उसके बाद तलाश शुरू की गई तो एक बक्सा तो उनको घर से थोड़ा सा आगे चल के और एक रास्ते में मिल गया, दूसरा बक्सा जो था वो नहीं मिला। तो एक बक्सा जो रह गया था उसमें भी सोना चांदी था और कुछ पैसे थे, और जो बक्सा चला गया उसमें भी उन्होंने करीब 6 किलो 300 ग्राम चांदी बताई, 10 ग्राम सोना और 30,000 रुपये जाना उन्होंने बताया था। तो काफ़ी गंभीर घटना थी और बड़ी नकबजनी की घटना थी। इसको लेकर के एक टीम बनाई गई आंधी थाना पर, रामकिशोर जी यहाँ जो SHO हैं उनके नेतृत्व में, और इस घटना की गंभीरता को देखते हुए और सभी चालानशुदा अपराधियों को और तकनीकी पुलिसिंग इसमें काम में ली गई, और जो भी वहाँ के आसपास के अपराधी थे, नशे के आदि थे, जो भी एस्पेक्ट जो थे उन सबको हमने खंगालना शुरू किया। और इसी के चलते जो ये चोरी नकबजनी जो थी इसका टाइम भी बड़ा स्पेसिफिक था, क्योंकि सुबह 5:30 से और 6:15 के 1.25 घंटे का जो टाइम था, तो इसमें एक संभावना ये व्यक्त की जा रही थी कि या तो कहीं आसपास का या गांव का कोई ना कोई या तो चोर हो सकता है, या फिर उसकी मदद से और किसी ने इतने कम समय में और इस वारदात को अंजाम दिया है। उसी के चलते और लगातार निगरानी और एक छानबीन के दौरान एक नाम आया, राकेश शर्मा, जो उसके गाँव के पास ये छावनी कला के हैं, और ये जो राकेश है ये छावनी इसके बारे में कुछ हमने पहले सूचना एकत्रित की गई और इसका जब संदिग्ध आना जाना हुआ और चीत की गई तो फिर इसने उन चीज़ों से लाइलमी जाहिर की, और फिर जब इसका दूसरे तरीके से हमने मालूमात की गई तो इसके द्वारा झूठ बोलना पाया गया। फिर इसको कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसने उस नकबजनी को करना स्वीकार किया और इसने खुद मैंने ये चोरी की है, और आज इसको हमने गिरफ्तार किया है और कल इसको कोर्ट में पेश करके और इसका पीछे रिमांड लिया जाएगा। इस टीम में मुख्य भूमिका किसकी रही? मुख्य भूमिका तो SHO आंधी और इनके कॉन्स्टेबल हैं, उनका बड़ा अच्छा